पल्सिंग का ये दिखाया हुआ है। पल्स रहेगा तो क्या होता है कि आपका जब थिकनेस कम रहता है तभी पल्स करंट का वो यूज करना है। पल्सिंग करंट मतलब क्या, करंट आया कम हुआ, आया कम हुआ। उसमें क्या होता है कि मटेरियल में हीट इनपुट कम होता है और वेल्डिंग का आपका अच्छा होता है। अभी समझो आपका आपका एक क्वेश्चन था कि 0.5 का मेरा मटेरियल है, 1 mm 1.5 mm का मेरा टंगस्टन है, 2.4 का, तो आप हम लोग पल्सिंग करंट यूज करके भी कर सकते हैं। उसमें क्या, एक बार आपका आर्क आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो उसमें आपका ट्रैवल स्पीड और आपका करंट आप ऐसा सेट करोगे तो हाई थिकनेस कम थिकनेस पे भी वो वेल्डिंग आपका प्रॉपर भी आ सकते है। ठीक है, पल्सेशन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अभी ये यहाँ पे दिखा है ना कि अगर आपका जो एसी वेव्स है उसमें वो ज्यादा अप डाउन कर रहा है तो फिर ये गैप दो रिपल्स के बीच में गैप ज्यादा आएगा। ठीक है, आपको अगर डीसी सप्रेसर है और उसको एसी का वेव्स कंट्रोल करेगा तो ये नजदीक नजदीक रहेगा। स्लाइड चे शेवर देखे अनंतर ते रीनेमिंग करून पाठव। पल्स आर्क जीटीडब्ल्यू कह दिया है, ये ऑटोमेटिक मशीन से के हाथ से क्यों, हाथ से क्यों, हाथ से अगर मशीन से कह रहे थे तो वहां पे मैकेनाइज पल्स आर्क ऐसा आता था मैन्युअली। टर्न करते हो उसमें ऐसा ओपन ये नहीं होता हीट कॉन्सेंट्रेशन, जब आप एक पूरे राउंड क्वेश्चन टर्न करते हो फिर आपका हाथ कहीं ना कहीं ऊपर होता है। तो ये जो शेप है यहाँ पे आपने दो पाइप को वेयर किया हुआ है उसके अंदर सिमेट्री नहीं है, आप सिमेट्रिकली एक मशीन में उसको वेल्डिंग करो और आपसे टर्न किया तो कहीं ना कहीं उसको ये होगा ना कि कहीं पे एक जगह पे जाकर आपको स्टॉप करते हो, आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। अभी कैसा है कि वेल्डर का एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता है। अगर समझो मैं अगर समझो वेल्डर की जगह पे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी समझो मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेल्डिंग चालू करूँगा हैंड बैलेंस को। हम लोग वेल्डर लोग हैंड बैलेंस करने के टाइम पे अपना ये जो उंगली रहता है उसको क्या करते हैं, टच करते हैं टॉर्च को, ये दो उंगली में पकड़ते हैं, फिर ऐसा पकड़ के क्या करते हो टॉर्च को मूवमेंट देते हैं आपसे। जैसे आपको लगता है कि वर्टिकल का एरिया है मटेरियल ज्यादा फ्यूज होता है तो वो टाइम पे वेल्डर्स क्या करते हैं थोड़ा फास्ट जाते हैं। जैसे ये समझो ये ऊपर का एरिया आ गया, ऊपर के एरिया में क्या मटेरियल जो है ज्यादा फ्यूज होता नहीं है, मतलब जितना करंट दिया वही सबसे मटेरियल प्रॉपरली मेल्ट होता है तो एरिया में फिर वो आपका जो हैंड का जो ट्रैवल स्पीड है उसको मेंटेन करता है। तो वेल्डर का एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है और वेल्डर का एक्सपीरियंस वेल्डिंग के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना सिंसियरली प्रैक्टिस करता है और कितना वो प्रॉपरली उसके ऊपर ध्यान देके काम करता है।